संयुक्त परिवार। अकेले होते होते पहले हम भाइयों से अलग हुए, माता पिता से अलग हुए, आज पत्नी से पति अलग हो रहा है। कहां तक आ गए? छोड़ते छोड़ते कहां आ गए? आज पत्नी को भी छोड़ने की नौबत आ जा रही है, पत्नी को छोड़ने की नौबत आ जा रही है। पहले केवल लोग भाइयों को छोड़ते थे, माता पिता को छोड़ते थे, धीरे धीरे करके कम करते करते, पहले हम दो हमारे दस, फिर हम दो हमारे पांच, हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, एक आध दो साल के बाद हम दो हमार जीरो, यही तो होगा। हम दो हमारे जीरो, इसी पे आके रुकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कम करते करते हम ऐसे, हम तो अपने हिंदुओं से हाथ जोड़ करके कहेंगे, एक हिंदू कम से कम दस बेटा पैदा करे। हाँ, एक हिंदू को दस बेटा पैदा करना पड़ेगा तब जाकर के काम बनेगा। और ऐसे झूठा ही ढंडा झंडा फहराओगे एक के पैदा करके तो कैसे धर्म का रक्षा हुई बताओ? कैसे रक्षा हुई? एक आदमी को दस पैदा करना पड़ेगा। कहा पढ़ेगा वो विकास जी के स्कूल में नाम लिखवा देंगे, सारी व्यवस्था है, आप चिंता मत करिए, सारी व्यवस्था है। यहाँ तो मास्टरों जी हैं, डॉक्टरों साहब हैं, ना दवाई का खर्चा ना पढ़ाई का खर्चा, अब भोजन के लिए हम आप लोगों को खोल देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? खाना पढ़ाई दवाई सब मिलेगा, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। भले देखो, भले योगी जी के क्राइटेरिया तुम बाहर हो जाने दो, लेकिन एक दो मत पैदा करो। एक दो करते 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 आज एक को बच्चा ही नहीं है। पूरे परिवार में किसी के घर में एक लड़की है, किसी के घर में एक लड़का है, जानते हैं इसका दुष्प्रभाव कितना है? सुन लो, पहले तो हंस दिए, अब सुन लो इसका दुष्प्रभाव क्या है। संबंध खत्म हो रहे हैं। अगर एक लड़का पैदा कर दिए तो जानते हैं कितने संबंध खत्म हो गए? बहन का संबंध खत्म हो गया, मौसी का संबंध खत्म हो गया, मौसा का संबंध खत्म हो गया, बुआ का संबंध खत्म हो गया, फुफा नहीं रहे। और अब जोड़ लो, बहन लड़की से जितने संबंध होते हैं सारे तुमने खत्म कर दिए। अगर तुम लड़की केवल पैदा किए, लड़का नहीं पैदा किए, तो मामा खत्म हो गए, भाई खत्म हो गया, और चाचा खत्म हो गए, चाची खत्म हो गए, देवर खत्म हो गया, देवरानी खत्म हो गई। तुम तो सारे रिश्तों का ही गला घोट दिया एक करने के चक्कर में, एक करने के चक्कर में। अच्छा बताओ, जब खुद की बहन नहीं रहेगी तो दूसरे को अपना बहन मान पाओगे? क्यों नहीं? ये जो संसार में हो रहा क्यों नहीं होगा बताओ हमको? तो क्यों नहीं होगा? दूसरे को अपना मान पाओगे कभी? कभी नहीं मान पाओगे। तो मेरे भाई लोग, रिश्तों का गला मत घोटो। हमारे यहां रिश्ते बहुत स्वीट हैं, ठीक ना? अब देखो, अंग्रेजी में चले जाओगे तो मौसी हो, काकी हो, चाची हो, और सास हो, देवरानी, जेठानी, सब केवल आंटी। आंटी कह दिए, मामी मामा सब नप गए उसी में। आंटी कह दिए तो मतलब सब उसी में आ गया। लेकिन हमारे यहां भौजी का देखो संबंध कितना प्रिय है, भौजाई का। बुआ का देखो संबंध अलग है, बड़ी मम्मी का संबंध अलग है, चाची का संबंध अलग है, बड़े बड़ी अम्मा का संबंध अलग है, मामी का संबंध अलग है। हर एक संबंध का एक बड़ा मतलब खूबसूरत, एक बहुत उसका आनंद, उसका एक बहुत खूबसूरत अनुभव है। उन सब से हम वंचित हो गए। हम दो हमारे मरो,
हम दो हमारे एक लेकर, एक नहीं करना, चार हो जाए भले, तीन हो जाए लेकिन दो हो तो या तो भाई भाई भाई, या तो भाई भाई भाई, और नहीं तो फिर तीन हो चार हो, दिक्कत क्या है? अपने आप को क्यों करता मान रहे हो कि क्या होगा? हमारे मुस्लिम भाइयों को देखो, एक एक बीस बीस ठे पैदा कर, एक एक आकार, कोई पंचर बना ही रहा है, कोई कूड़ा उठा ही रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन पैसा सबरे कमा रहे हैं। आप जानते हैं जितना दुनिया में पंचर की दुकान है, आप जाकर के पता करना तो निकल करके आएंगे कि वही है। क्यों? उनको कोई भी काम करने में शर्म नहीं है, लेकिन हम लोग अब बाबूजी बन गए हैं। हम लोगों के धर्म की हानि इससे भी हो रही है। हम लोग बाबू हो गए, हम लोग केवल बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं। एक बेटा पैदा करेंगे, उसको डीएम बनाएंगे, बस उसको बीटेक एमटेक करवाएंगे, गधा गोबर गणेश निकल गया तो एटीएम बैंक लूटेगा, और क्या करेगा? कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो इन सब अगर बातों में आप जाओगे तो देखो जड़ कहीं और है। हम लोग तना को हिला रहे हैं, तना को पकड़ करके झकझोर रहे हैं, इसकी जड़ कहीं और है, ठीक ना? तो ये ठीक होने वाला नहीं है, ये ठीक होने वाला नहीं। इसलिए विदुर घूमते घूमते आए और धृतराष्ट्र से कहते हैं, सुनिए आपका ये जो बड़ा वाला बेटा है ना, ये साक्षात कलयुग है, तब तक तो दुर्योधन आ ही गया। दुर्योधन आकर के कहता है, दास्याः सुतम् यद् वलिनैव पुष्टः, ये दासी पुत्र हमको कह रहा है साक्षात कलयुग है, निकल जाओ तुम यहां से। इतना कहते ही विदुर अपना धनुष और बाण उठाए और तुरंत वहां से निकल गए, तुरंत निकल गए, एक मिनट भी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि धर्म, हम बोले पहले, धर्म किसी के अनुगत में नहीं रहता, धर्म स्वतंत्र है। धर्म किसी के अनुगत में नहीं, अगर वो किसी के अनुगत में आ गया तो जानना फिर वो धर्म का पालन नहीं करा, फिर वो दिखावा कर रहा है। धर्म का पालन करना बड़ा कठिन, बहुत कठिन।